नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज़ छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज जांजगीर विधायक नारायण चंदेल छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जिले के प्रथम दौरे व कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकारों से मुलाकात कर कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस के कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा, कांग्रेस पहले अपने आप को जोड़ ले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व में इतना लचीला कभी नहीं आया था। साथ ही विधानसभा नेता प्रतिपक्ष का यह भी कहा गया कि छत्तीसगढ़ में माटी पुत्र किसान सबसे ज्यादा दुखी है। जिले के प्रथम दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने जिला भाजपा के नेताओं से भी सर्किट हाउस में मीटिंग कर जिले में भाजपा के कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा किया। साथ ही भाजपा प्रदेश मंत्री व जिला पंचायत सदस्य विजय शर्मा द्वारा ग्राम मैनपुरी में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि गरीब परिवारों को सरकार आवास दिलाने में फेल है, कांग्रेस के मंत्रियों का आपस में जम नहीं रहा है, जिसके चलते एक मंत्री को विभाग से इस्तीफा देना पड़ता है। जांजगीर पामगढ़ से इंद्रदास महंत की रिपोर्ट। आज जो है कवर्धा आगमन में कुछ विशेष प्रायोजन जी, आज कबीरधाम जिले में कवर्धा की पावन भूमि में हम आए हैं और आयोजन तो मैनपुरी में इस जिले के जो जिला पंचायत सदस्य हैं विजय शर्मा जी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के साथ में हमारा कार्यक्रम है और उसी के निमित्त हम लोगों का यहाँ पर आना हुआ है। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पहुँचने पर आत्मीय स्वागत किया, अभिनंदन किया। नए दायित्व मिलने के बाद में मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और प्रधानमंत्री आवास इस विषय को लेकर के कार्यक्रम है। हम सबको मालूम है कि यहाँ के वरिष्ठ मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के श्री टीएस सिंहदेव साहब ने पिछले महीने प्रधानमंत्री आवास को लेकर के और भी अन्य विषयों को लेकर के राज्य सरकार को खुला पत्र लिखा था और उन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से पत्र लिखा था और उन्होंने साफ लिखा था कि प्रधानमंत्री आवास इस प्रदेश के हितग्राहियों को अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार दोषी है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास भेजती है लेकिन 40% राशि उसका अंशदान मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार को देना पड़ता है लेकिन राज्य सरकार समय सीमा में उसको नहीं दे पा रही है, इसलिए करीब 18 लाख परिवार अपने घरों से वंचित हो गए हैं, छत से वंचित हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में जो भूपेश की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इस बात का प्रमाण है कि वो आर्थिक बदहाली के दौर से बुरी तरीके से गुजर रही है। और यहां छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन है जिसको पूरी छत्तीसगढ़ की जनता भोग रही है, छत्तीसगढ़ का गरीब आदमी भोग रहा है।